दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 5 ऐसे इंसानों के बारे में जिनके शारीरिक बदलाव को देखकर आप सभी के होश उठ जाएंगे, क्योंकि यह पृथ्वी पर मौजूद बाकी लोगों से बेहद अलग और विचित्र हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कायर लोगों की तरह हार ना मानकर जिंदगी का सामना किया और आज यह अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, नो वॉल। डॉक्टरों ने इस बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा था कि यह जीवित रह पाएगा, क्योंकि जब यह पैदा हुआ था तो इसका 98% दिमाग नहीं था। इतना ही नहीं, उसके स्पाइनल कार्ड में भी तकलीफ थी, लेकिन नोह के माता पिता को यकीन था कि उसे कुछ नहीं होगा। शायद यही वजह थी कि कई सर्जरी करने के बाद भी यह बच्चा जीवित रहा और उसके माता पिता पूरा दिन उस बच्चे के साथ गुजार दिया करते थे। नोह का ब्रेन डेवलप करने के लिए वे उसे हमेशा कुछ न कुछ सिखाया करते थे और उसके बाद जो होने लगा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि नोह का दिमाग खुद ब खुद बढ़ने लगा और 5 साल की उम्र तक उसका 20% दिमाग ही बाकी बच्चों से छोटा रह गया था और अब वह काफी हेल्थी हो चुका था। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कोई केस नहीं देखा था। लेकिन अभी भी नो स्पाइनल कार्ड की वजह से सही से चल नहीं पाता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर इसका भी कोई ना कोई इलाज निकाल ही लेंगे। नंबर 4, एडिन गोडोए। 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान एडिन को गर्भ में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए थे, जिस वजह से उसका सीधा पैर मुड़ गया था। 12 मई 2010 को एडिन का जन्म हुआ और जन्म से ही उसका सीधा पैर मुड़ा हुआ है। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा ही है और इसे सही करने के लिए डॉक्टर्स को उनका पैर काटना पड़ा और अब जी आर्टिफिशियल पैर की मदद से चल फिर पाता है। जहां कई लोग इन बीमारियों की वजह से अपनी जिंदगी को बुरा समझने लगते हैं, वहीं इस बारे में सोचना अलग है। एडिन का कहना है कि मैं इसी वजह से दुनिया के बाकी लोगों से अलग हूं और बड़ा होकर यह बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। नंबर 3, डॉनविया वॉकर। प्रेगनेंसी के दौरान ही डॉनविया की मां को पता चल चुका था कि उनके होने वाले बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, और जब डॉक्टर्स ने उनका स्कैन किया तो ये बात सामने आई कि उनके बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं। डॉनविया के जन्म के बाद से ही उसके माता पिता ने उसका खास ख्याल रखना शुरू कर दिया और डॉनविया ने अपने सभी कामों को पैरों से करने की ट्रेनिंग शुरू की और आज ये अपने पैरों से वह सभी काम कर लेती है जो हम अपने हाथों से करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये अपने पैरों से कार भी चला लेती है और इसके अलावा यह स्क्वाड कमांड का भी हिस्सा है। यह अपनी कमजोरी के बावजूद उन लोगों को इंस्पायर करना चाहती है जो अपनी जिंदगी में हार मान जाते हैं। नंबर 2, जॉनी क्विन। जॉनी 4 साल की उम्र तक बाकी बच्चों की तरह था, लेकिन 4 साल की उम्र में हुई घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब गैराज में खेलते हुए उस जगह आग लग गई तो जॉनी की बड़ी बहन ने उसे आग से बाहर निकाल लिया और यह चमत्कार ही था कि वह बच पाया। आग की वजह से उसकी 95% बॉडी जल चुकी थी और जॉनी को जिंदा रहने के लिए 87 सर्जरी करानी पड़ी। इस घटना ने जॉनी की जिंदगी तबाह कर दी थी, क्योंकि अब वह कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था। जॉनी को उसके शरीर की वजह से कई लोग चिढ़ाने लगे थे और वो सोचता था कि मैं मर क्यों नहीं गया, लेकिन इस कहानी की हैप्पी एडिटिंग हुई, क्योंकि उसने अपने शरीर को स्वीकार कर लिया था और अब जॉनी 20 साल का है और वह समझ चुका है कि कोई चाहे कुछ भी बोले, वह जैसा है वैसा ही अच्छा है। दोस्तों इसीलिए किसी को कभी भी उसके रंग रूप की वजह से बुरा ना बोलें, क्योंकि कई बार ये बातें ही उनकी मौत का कारण बन जाती हैं। नंबर 1, केली एंड कार्टर टॉरेस। आपको बहुत कम ही लोग दुनिया में मिलेंगे जो ऐसे हैं। इनका केवल सिर अलग अलग है और बाकी का शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। ज्यादातर ऐसे मामलों में बच्चे जी नहीं पाते और उनकी समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन केली एंड कार्टर टॉरेस किस्मत को हराते हुए अभी भी जीवित हैं और इनके माता पिता इनका खूब ख्याल रखते हैं और उनका मानना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसका भी इलाज खोज लिया जाएगा और ये सर्जरी से अलग हो जाएंगी। तो ये थे दुनिया के 5 विचित्र लोग। यदि आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा।